नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं BSNL और VR से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और साथियों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कर लें ताकि आपको जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीव इनकैशमेंट और एक्स ग्रेशिया के लिए क्या नई इंस्ट्रक्शन भारत संचार निगम लिमिटेड के कॉरपोरेट अकाउंट सेक्शन दिल्ली की तरफ से जारी हुई है। आइए जानते हैं। ये लेटर है 23 मार्च 2020 का, जो कि एड्रेस किया गया है सभी CGMs को, जो कि सभी सर्कल्स के हैं, उन सभी को इसके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। सब्जेक्ट है इसका इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ VRS ड्यूज। इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि किस तरह से VRS के जो ड्यू हैं उनका पेमेंट होना है। विथ रेफरेंस टू दी सिटेड सब्जेक्ट्स, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर हियर बाय इश्यूड फॉर कंप्लायंस बाय दी सर्किल्स ऑन और बिफोर 24th मार्च 2020। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिसको कि सभी सर्कल को 24 मार्च 2020 के पहले या 24 मार्च 2020 तक कंप्लाइंस देने को कहा गया है। इसमें सबसे पहले बात आती है अमाउंट टू पेड फॉर एक्स ग्रेशिया एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जैसा आपको पता है कि 31 मार्च के पहले आपका जो एक्स ग्रेशिया का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो दिया जाना है, उसके रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन है। आइए इसे समझते हैं। द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया विल बी डन टू द VRS ऑप्टीज विद द बजटरी सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहाँ पर BSNL ने ये क्लियर कर दिया है कि जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट आपको मिलना है वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार इसके लिए कितना बजट का सपोर्ट करती है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड शैल बी इन प्रोपोर्शनल टू द फंड allocated by the governments vis-a-vis the gross provisional amount of ex gratia that an employee is eligible for. जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा जो आपको मिलेगा वो जितना भी फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी उसके प्रोपोर्शनल में डिसाइड किया जाएगा कि आपको प्रोविजनल अमाउंट एक्स ग्रेशिया के फॉर्म में कितना मिलेगा जिसके लिए आप हकदार हो सकते हैं। द अमाउंट दैट विल बी पेड टू द VRS ऑप्टीज शैल बी 31.3% ऑफ द ग्रोस प्रोविजनल अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया इज वेरीफाइड बाय द सर्किल फॉर ईच सच ऑप्टीज। जो अमाउंट है जो आपको VRS जिन लोगों ने लिया है उनको एक्स ग्रेशिया का मिलने वाला है वो 31.3% आपके ग्रोस प्रोविजनल अमाउंट का हो सकता है। और साथ ही आपके सर्किल ने जितना अमाउंट आपके लिए कैलकुलेट किया है उसका 31.3% आपको मिलने का। अब बात करें अगले पॉइंट की, अमाउंट टू बी पेड फॉर लीव इनकैशमेंट। अब लीव इनकैशमेंट के ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है उसे जानते हैं। द अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट टू ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज एज वेरीफाइड बाई द सर्कल शैल बी रिलीज्ड इन फुल। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जो आपका लीव इनकैशमेंट का पैसा है वो आपको पूरा की पूरा मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है लोडिंग ऑफ अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया एंड लीव इनकैशमेंट टू द पेरोल। अब जो आपका एक्स ग्रेशिया और लीव इनकैशमेंट का पैसा है वो आपके पेरोल में किस तरह से लोडिंग किया जाएगा। द अमाउंट बींग पेड विल बी लोडेड इन द पेरोल बाई यूजिंग BDC बेच डाटा कम्युनिकेशन। जो अमाउंट आपका आपके पेरोल आपकी सैलरी स्लिप में ऐड होगा वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसके लिए BDC मतलब बेच डाटा कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा। सर्किल ऑफिसेस कैन डाउनलोड द पेमेंट अमाउंट फ्रॉम सेप एंड प्रिपेयर द BDC अकॉर्डिंगली। जो सर्किल ऑफिस रहेंगे वो आपके पेमेंट्स रिलेटेड सारे अमाउंट को सेप से डाउनलोड करेंगे और साथ ही BDC को प्रिपेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अटमोस्ट केयर मे बी टेकन टू इंश्योर दैट सच अमाउंट एंड इन प्रोपोर्शन टू सच अमाउंट फॉर एक्स ग्रेशिया आर ओनली अपलोडेड एज
हैज़ बीन वेरीफाइड बाई देम। अब जो भी अमाउंट सर्कल ऑफिस के द्वारा वेरीफाइड किया जाएगा उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपलोड किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है पोस्टिंग ऑफ रिकवरीज। अब रिकवरीज की पोस्टिंग आपके अमाउंट में, आपकी पे में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी उसे समझते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्कल एंड दियर डीडीओस एंड मस्ट बी इनवेरिबली बी कॉम्प्लीटेड बाय देम ऑन और बिफोर 24th March 2020। यहाँ पे जो आपका सर्कल है और साथ ही जो डीडीओस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि वो 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले सारी इससे रिलेटेड जानकारी और कार्रवाई करेंगे ताकि रिकवरी से रिलेटेड सारे काम किए जा सकें। बात करें टैक्स ट्रीटमेंट की, द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एक्सग्रेशिया हैज़ ऑलरेडी बीन क्लेरिफाइड बाय द टैक्सेशन सेल इन लेटर नंबर डेटेड 20 मार्च 2020 विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जो लेटर की टैक्सेशन से रिलेटेड गाइडलाइन दी गई है, जो कि एक लेटर इशू हुआ था 20 मार्च 2020 को, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग एक्सग्रेशिया के टैक्सेशन की सारी क्लेरिफिकेशन उसमें दे दी गई है। द रिलिवेंट कॉन्फिगेशंस फॉर पर्पस ऑफ TDS कैलकुलेशन सेल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ERP कोर टीम। अब जो भी TDS से रिलेटेड कैलकुलेशन होगा वो ERP की कोर टीम आपके लिए करेगी। देयर इज नो चेंज इन द TDS स्टेटमेंट ऑफ EL इनकेशमेंट एज इट वॉज बींग पेड अर्लियर ऑल्सो इन केस ऑफ नॉर्मल रिटायरमेंट केसेस। जो आपका TDS का ट्रीटमेंट होगा EL के इनकेशमेंट के ऊपर, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो उसी तरह से पेड होगा जिस तरह से एक नॉर्मल रिटायर्ड पर्सन को मिलता है। अब बात करें टारगेट डेट की, तो द टारगेट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी इज 24th March 2020। जो टारगेट डेट रखी गई है इस काम को पूरा करने की वो 24 मार्च 2020 रखी गई है। अगला पॉइंट की बात करें वो है ग्रेजुटी इन रिस्पेक्ट ऑफ BSNL रिक्रूटेड VRS ऑप्टिस शैल नॉट बी प्रोसीड नाउ। अब ग्रेजुटी का उन्होंने BSNL ने कहा है कि जो ग्रेजुटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ BSNL रिक्रूटरी, जो BSNL से रिक्रूटेड VRS ऑप्टिस हैं उसके, वो अभी प्रोसीड नहीं की जाएगी। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ERP। ERP में ऑपरेशन करने के लिए आपकी इन डाटा को फिट करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है उसे समझते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय पे जानकारी समय पर आपके अकाउंट में, आपके इनबॉक्स में मिलती रहे। सिंस द वैलिडेशन ऑफ द VRS पेबल हैज़ ऑलरेडी बीन डन, द एक्टिविटीज रिमेनिंग्स टू बी कैरिड आउट आर फॉर सेंशन रिकवरी एंड पेरोल जनरेशन, फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड फॉर द सेम। जैसा कि आपको पता है VRS को पर्सन्स को जो पैसा मिलना है उसके लिए उनका सेंशन रिकवरी और पेरोल के जनरेशन की आवश्यकता होगी, उसके लिए बताई जा रही स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट है इश्यूएंस ऑफ सेंशन। सर्कल फील्ड ऑफिसेस नीड टू जनरेट द सेंशंस फॉर द एक्सग्रेशिया एंड लीव इनकेशमेंट्स वेल इन टाइम द फॉर्मेट ऑफ सेंशंस हैज़ बीन कॉन्फिगर्ड। जो सर्कल और फील्ड ऑफिसेस हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो समय रहते एक्सग्रेशिया और लीव इनकेशमेंट का डिटेल्स की तैयारी कर लें और उसके लिए सेंशन को जनरेट कर लें, जिसके लिए फॉर्मेट ऑफ सेंशन है वो कॉन्फिगर्ड किया जा चुका है ताकि पेमेंट में डिले ना हो। लोडिंग ऑफ लीव इनकेशमेंट अमाउंट, द अमाउंट बीइंग पेड फॉर लीव इनकेशमेंट विल लोडेड इन द पेरोल थ्रू BDC। जो वेज डाटा कम्युनिकेशन है BDC, उसके थ्रू आपके लीव इनकेशमेंट को जो भी अमाउंट है उसे लोड करवाना है। थर्ड स्टेप है रिकवरीज फ्रॉम द पे आउट, द अमाउंट टू बी रिकवर्ड From the employee must be maintained in the payroll up to the amount payables to the employee after TDS. The net payable after all recoveries deductions should not be negative, otherwise there will be error shown by the ERP.
अब जो आपकी रिकवरीज यदि किसी तरीके रह गई है उसे भी उसमें माइनस करना है, और साथ ही TDS का भी कैलकुलेशन करना है। और यह ध्यान देना है कि आपकी रिकवरी आपको मिलने वाले पैसे से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि उसके लिए ERP में एरर शो हो जाएगी। अगली स्टेप आती है RT क्रिएशंस विथ लीव इनकेशमेंट अमाउंट। द लाइव RT विथ लीव इनकेशमेंट ओनली हैज़ टू बी क्रिएटेड बाई फील्ड यूनिट। देयर आफ्टर द फील्ड यूनिट विल कन्फर्म दैट द RT इज क्रिएटेड। जो RT क्रिएशंस है वो फील्ड यूनिट के द्वारा किया जाना है, और फील्ड यूनिट को ये कन्फर्म करना है कि RT क्रिएट हो चुकी है। स्टेप 5 आती है डाटा बैकअप ऑफ RT विथ लीव इनकेशमेंट। डाटा बैकअप ऑफ RT विथ लीव इनकेशमेंट्स विल बी टेकन बाई सेंट्रल टीम। द RT इज टेम्प्ररी एंड इट मस्ट नॉट बी पोस्टेड बाई एनी सर्कल एट ऑल। जो RT का बैकअप है वो सेंट्रल टीम करेगी, और RT जो होगा वो टेम्प्ररी होगा, और इट मस्ट नॉट बी पोस्टेड, और ये किसी भी सर्कल इसको पोस्ट नहीं करेगा। स्टेप 6 आती है लोडिंग ऑफ एक्सक्रेशिया पेमेंट इन RT। बिल्ड यूनिट्स विल मेंटेन अमाउंट बीइंग पेड एज एक्सक्रेशिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थ्रू BDC। अब जो फील्ड यूनिट है वो BDC के माध्यम से आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एक्सग्रेशिया का है उसको मेंटेन करेगी। स्टेप 7 है एनी फर्दर रिकवरीज। इफ देयर आर एनी फर्दर रिकवरेबल्स टू बी मेंटेन्ड द सेम कैन बी डन सच दैट इट गेट एकोमोडेटेड विद इन टोटल पे आउट। अब इसके अलावा यदि आपकी कोई रिकवरी फिर भी रह जाती है तो उसको मेंटेन किया जाएगा, और साथ ही देखा जाएगा कि वो आपके पे आउट में रिफ्लेक्ट हो। स्टेप 8 है रिटर्न रिक्रिएशन ऑफ RT एंड क्रिएशंस ऑफ बैंक फाइल। द RT विथ लीव इनकेशमेंट एंड एक्सग्रेशिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज टू बी क्रिएटेड अगेन बाय द फील्ड यूनिट। द RT विल बी फाइनल एंड नीड टू बी पोस्टेड इन FICO FICO। द पे आउट इन दिस RT विल रिफ्लेक्ट इन द बैंक फाइल। अब जो भी आपसे कंप्लीट डिटेल्स होगी वो बैंक फाइल बना के आगे प्रोसीड कर दी जाएगी। फर्दर फॉर एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज़ रिफर्स टू ERP HCM कोर टीम। अब उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि यदि आपको कोई और जानकारी या कोई क्वेरी है तो आप ERP HCM कोर टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी आपके लिए खुशखबरी की बात है, आपको आपका जितना भी अमाउंट है वो जल्दी मिल रहा है। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस VRS और उससे पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय पर हम पहुंचाते रहें। धन्यवाद।